नमस्ते सर। आना। क्या श्रीनिवास, शौक लगा क्या? हाँ? तुमने मेरे बारे में एसीबी को इन्फॉर्मेशन दी, उन्हीं एसीबी वालों ने मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन दी। छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सर। वो पुलिस को क्रिमिनल माइंडेड तो होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल जैसी प्लानिंग नहीं। पुलिस की प्लानिंग तो पक्की होनी चाहिए और किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे बारे में मैं पक्का प्लान करूंगा। अगर दोबारा ये रिपीट हुआ तो एनकाउंटर में मिलेंगे। सर, गाड़ी रोको। सर आप गलत मत सोचिएगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप पकड़े जाते तो आपकी जॉब चली जाती, अगर मैं पकड़ा जाता तो पूरी लाइफ पुलिस नहीं बन पाता। ये गलत है सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं और मुझसे भी गलत करवा रहे हैं। ऐसा मत करिए सर। मुझे सिखाओगे तुम? हैं? उतरो उतरो। चलो। दो मिनट मेरे से बात कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम। शिरीषा, मैं बस दो मिनट बात करूंगा, इतने दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, प्लीज दो मिनट तो मेरी बात सुन लो। शिरीषा, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ओके, टू मिनट्स प्लीज। सुनो ना, दो मिनट प्लीज। शिरीषा एक बार मेरी बात सुनो ना प्लीज। सर, इसकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए ना सर, रोज ये मेरा पीछा करता है। बात क्या है? मैं इससे प्यार करता हूँ सर। कब से जानती हो इसे? 2 साल से जानती हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? कहता है मुझसे प्यार करता है। तुमको पसंद नहीं है क्या? नहीं। अरे सर, ये बात तुमने बताई इसे? नहीं। 2 साल इसका वेस्ट किया तुमने, ये बात तुम इसे पहले नहीं बता सकती थी क्या? सही कहा सर। लड़कियों का पीछा करना चाहिए लेकिन उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए। प्यार करना चाहिए लेकिन उन्हें प्यार के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम फील कर रहे हो लेकिन ये फील कर रही है या नहीं, उसे प्यार कहते हैं। तू जो कर रहा है वो पागलपन है। मैं जो सवाल पूछता हूँ उसमें वैरायटी होती है, अगर तुमने भी सवाल का जवाब वैरायटी से दे दिया तो तुम्हारी जॉब। पूछिए सर। एक कलसेशियन डॉग 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, हमें उससे भी स्पीड में भागना होगा तो क्या करना होगा? हमें कुत्ते से तेज भागना होगा। ओह, शादी के पहले वो आदमी है, शादी के बाद क्या होगा? गूंगा। माँ पेट देखती है, बीवी जेब देखती है, दोनों मिलकर क्या देखते हैं? टीवी सीरियल। आहा,
अमेरिका ने सेलफोन तैयार किया, जापान ने सिम कार्ड तैयार किया, तो फिर इंडिया ने क्या बनाया? मिस कॉल शुरू किया। ओहो, फर्स्ट नाइट में दूध के साथ बादाम क्यों देते हैं? उसे खा के एनर्जी आती है ना सर। फाइनल क्वेश्चन, तुमको ये जॉब मिलेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगी सर। तुम इतना करक कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आप अपने से इंटेलिजेंट को जॉब कभी नहीं देंगे और मैं ऐसे बेवकूफ आदमी के पास काम कभी नहीं करूंगा। गेट ऑन। इतने लव सिंबल्स आखिर क्यों? लव करने के लिए। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। ओहो, लड़की की हंसी देखकर तुम भी हंसोगे तो मजाक बंद कर रह जाओगे। इनसे होशियार रहना चाहिए क्योंकि ये धोखा देकर चली जाती हैं। वो तुम्हें रोज मिस्ड कॉल देगी और उनके मिस्ड कॉल पे तुम्हें हर बार कॉल करना पड़ेगा। बाद में उसके मिस्ड कॉल का वेट करोगे, उसका कॉल इंगेज होगा, फिर तुम वेट करोगे। महीने में 4-5 बार रिचार्ज करवाओगे, शॉपिंग लेकर जाएगी, कपड़े वो लेगी, बिल तुम भरोगे, मंदिर बुलाएगी, फूल और नारियल खरीदवाएगी, फूल वो लगा लेगी और नारियल भगवान के सामने तोड़कर उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगेगी। साथ में तुम रहोगे लेकिन वो अच्छे पति के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी और तुम्हें सिर्फ घूमने के लिए रखेगी, समझे क्या? नारियल घर लेके जाएगी, उसका चटनी बनाएगी, लड़कियों के चक्कर में पड़ने का नहीं, वो सिर्फ पीछे पीछे दौड़ाती रहती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो लॉस तुमको, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए तुम्हें सलूशन निकालना होगा। तुम पॉकेट में मंगलसूत्र लेकर घूमते रहोगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो सॉरी बोल करके निकल लेगी, आई लव यू कभी नहीं बोलेगी। अगर तुमने गलती से आई लव यू बोल दिया ना तो वो कहेगी तुम्हारी गलत फहमी है, तुम तो भाई की तरह हो, इस तरह से बोलेगी और अंत में तुम्हारे सामने वो डायलॉग मारेगी जो सीरियल उसने रात को देखा होगा। बहुत मुश्किल होता है प्यार करना और अंत में अरेंज मैरिज करके विदा हो जाएगी और तुम कोने में बैठकर रोते रहोगे। प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर बच्चा होगा, अपने पति के साथ घूमेगी और तुम किसी चौराहे पे खड़े होकर समोसा खाओगे। आपने तो मेरी आंखें खोल दी भाई, अब जिंदगी में कभी समोसा नहीं खाऊंगा। बेटा, मेरा ही समोसा छीनोगे? छीनने नहीं दूंगा, रोज रोज तुमको ही पहनूंगा, सुखाकर पहनूंगा, तुम मेरे लव साइन हो, लव साइन, मेरे लकी अंडरवियर। क्या रे, कोई काम नहीं है क्या? बेकार के काम क्यों कर रहा है? कोई अच्छा सा काम ही ढूंढ ले। क्या रे, अंडरवियर के लिए इतना नाटक मत कर। छोटा अंडरवियर है इसलिए कमजोर मत समझो ब्रदर, ये देखो इसका दिल बहुत बड़ा है, इसमें ना जाने कितने लोग समा जाएंगे। अच्छा, बिजली का बिल आने के बाद तुझे पता चला? क्या यूज करते हो? करंट बिल 5,000 का आया। देखा, थोड़ा देख कर यूज करो यार। ठीक है सर। अब अर्जुन, तुम्हारी पुलिस जॉब कहाँ तक पहुंची? कमिश्नर ने कल मिलने के लिए बोला है। और तुम्हारा? मैं जॉब करता हूँ सर। हाँ, गुड गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज तो कुछ तुम अजीब से लग रहे हो। मेरे भी कुछ सपने हैं सर, एक अच्छी लड़की का पति बन जाऊं और फिर उसके बच्चों का बाप, यही सपना है सर। ऐसे सपने रात को देखना मत, तुम्हारी तबीयत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। निकोटीन अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजर होता है, उसके पास बिल्कुल मत जाना, बर्बाद हो जाओगे। वो क्या है सर? लव। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू जानू, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। मुझे भी कभी गिफ्ट दो ना। तुम हर बार यही करती हो, डायरेक्ट किस करो ना। वो सब शादी होने के बाद, तुम्हारी शादी या इसकी शादी?
बाय डार्लिंग, हम कल मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर मिलना है अब? मैं मैसेज करूँगी। वही, कब मैसेज करोगी? कब मैसेज करूँगी वो भी मैं तुम्हें मैसेज में बताऊँगी। बाय। बाय। क्या है ये? लिफ्ट देने वाले को, गिफ्ट देने वाले को, मैसेज करने वाले को, रिचार्ज करने वाले को, अगर सबको तुम ऐसे ही आई लव यू बोलती रहोगी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लड़के बचेंगे ही नहीं। वो लोग भी तो हमें यूज करने का सोचते हैं। अगर हमने यूज कर लिया तो क्या हुआ? अगर वो गलत सोचते हैं तो तुम भी तो धोखा देती हो ना उन्हें, ये गलत नहीं है क्या? बकवास मत करो, ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हें भी आई लव यू बोलूं। हाँ? देखो ऐसा तो बिल्कुल मत करो। तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ? चलो। अच्छा नहीं है। ये देखिए मैडम। चीची, ये लेटेस्ट डिजाइन है मैडम, आप पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या है, इतनी चीप क्वालिटी दिखा रही हो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अरे आपको तो मैंने सब दिखाया है ना मैडम, ये वाली साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। इतनी चीप क्वालिटी की साड़ी मेरी काम वाली भी नहीं पहनती और तुम ये साड़ी मुझे पहनने को कह रही हो? तुम लोगों की सोच ऐसी ही होती है, अपना टेस्ट मुझ पर थोप रही हो तुम। अरे आप ये क्या कह रही हैं? नहीं तो और क्या कहूँ, मेरे बारे में जानती भी हो? ये साड़ी मैं पहनूंगी क्या? जाओ खुद जाकर पहन कर आओ। इस साड़ी में तुम कितनी बेकार लगोगी ये यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। सॉरी मैडम, ये अभी कुछ दिन पहले से ही काम कर रही है, इसे माफ कर दीजिए। हर महीने मैं आपके दुकान से 2 लाख रुपए की साड़ी खरीदती हूँ। अब अगर ये इस साड़ी को पहन कर आएगी तभी मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगी, नहीं तो कभी नहीं आऊँगी। आपको कस्टमर चाहिए या वर्कर चाहिए, डिसीजन आपका है। जाकर पहन कराओ अंजलि। सुंदर लग रही है, देख लिया ना कितनी बेकार लग रही है ये। इससे ज्यादा सुंदर तो ये डॉल लग रही है। जो भी दिमाग वाला होगा वो इसे नहीं खरीदेगा। वो साड़ी मुझे चाहिए, पैसों की चिंता मत करिए, पैक कर दीजिए। और वैसे एक बात बताऊं, खूबसूरती साड़ी में नहीं पहनने वाले में होती है, और हमारी नजर में होती है। बदतमीज कहीं का। मैडम 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 प्लीज मेरी बात सुनिए। मैडम 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 सुनिए तो मैडम। ए, या तो टी शर्ट बदल या फिर लुंगी बदल, एकदम चोर लग रहा है। दोनों निकाल दिया तो तुमको क्या प्रॉब्लम है?
टुडे इज माय बर्थडे बॉस। सच कह रहा है? थोड़ी देर रुको, अर्जुन शॉपिंग के लिए गया है, ड्रेस लेकर आने ही वाला है, वो पहनकर तो मैं राजा लगूंगा। ओ मन्मथ राजा, ओ मन्मथ राजा, ओ मैं हूँ मन्मथ राजा, ओ मन्मथ राजा, अरे मैं हूँ मन्मथ राजा। इसको खोलो ताकि ये देख करके शॉक्ड हो जाए। दिखाओ। ओ लाओ। अब नाचना क्या हुआ? नाचना मन्मथ राजा नाचना। अरे ये तेरे लिए नहीं है। ये क्या लेकर के आया है? तेरा टेस्ट अच्छा है इसलिए मैं तुझे भेजा था कपड़े लाने के लिए। ये साड़ी मैं पहनूंगा। तेरे लिए नहीं है। फिर तेरे लिए है क्या? एक लड़की के लिए है। एक्चुअली वो लड़की इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शॉपिंग में जाकर सेल्स गर्ल के लिए कपड़े खरीदने वाला तू पहला आदमी है भाई। बड़े महान हो तुम गुरु, मुझसे भी आगे निकल गए। यू नॉटी। सुनना, प्यार हुआ क्या? अरे नहीं यार। अबे सच बताना। नहीं लेकिन पता नहीं बोला तो पक्का कुछ और होगा। मरे हुए आदमी को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर? अगर आपने कहा कि ये एनकाउंटर है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रेस तो छोड़िए, पब्लिक भी नहीं करेगी। अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा, फिर डिपार्टमेंट कैसे करेगा सर? अब यकीन करोगे क्या? नहीं तो बताओ, अभी दो बुलेट्स और। मैं यकीन करूंगा, यकीन करूंगा सर। करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, नहीं तो यकीन के ऊपर यकीन करना ही खत्म हो जाएगा। यकीन किया, कर लिया। किया ना यकीन? यकीन कर लिया, यकीन कर लिया सर। अब ये एनकाउंटर तूने ही किया, ये मैं यकीन कर रहा हूँ। सर सर फिर मेरा हिस्सा दे तो दिया लाइफ। सर वो डेड बॉडी का क्या करना है? पैक करके कुरियर कर दो। कुरियर? मेरे लिए कुरियर आया है? ये कहाँ से आया है? कहाँ से आया पता नहीं है मैम, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। ओके, किसने भेजा होगा? बेटा किसने भेजी है? माँ वो और कौन होगा माँ, आपके दामाद जी ने भेजा होगा, वो मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे दो। ऐसा मत बोलो, उस दिन उनसे गलती से मिस नहीं हुआ है, भाग गया है, मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा है माँ। मुझे मेरी अंदर की खूबसूरती को दिखाने के लिए। नमस्ते सर।
नमस्ते से काम नहीं चलने वाला। लेकर आया क्या? सर तुमसे ही पूछ रहा हूँ। लेकर आया हूँ सर। कितना? आपने जितना बोला 3 लाख लेके आया हूँ। सर ये लीजिए पैसे। हाथ गंदा है, मैडम को दे दो। तुम्हारे पापा का सपना था कि वो तुम्हें पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में देखे। तुम्हें ये सपना पूरा करना ही होगा। जरूर करूंगा माँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ। हमने सबसे उधार लिया है बेटा, ध्यान से खर्च करना। तुम वापस कब आओगे बेटा? पुलिस बनने के बाद ही माँ। देखो अर्जुन, अब तुम पुलिस वाले बन गए हो। इस तरह के रिश्वत के पैसे तुम्हें बहुत मिलेंगे। मेरे लिए सैलरी ही काफी है मैडम। खाकी पहनने से पहले सब ऐसा ही कहते हैं, पहनने के बाद कुछ भी वैसा नहीं होता। सबकी कहानी बदल जाती है और कलेक्शन शुरू कर देते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते मैडम। ठीक है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा ब्लाउज बुटीक में दिया हुआ है, जाओ लेकर आओ। लेकर आता हूँ मैडम। और हाँ, मार्केट से आते वक्त सब्जियां लेकर आना। ठीक है मैडम। ओए, फोन नंबर देकर जाओ। अरे तेरी तो मरना चाहता है क्या? ऐसा करेगा ना सच में मर जाएगा। हे भिक्षापति, तू है क्या? तू तो एकदम बदल गया यार। पहले था लेकिन अब कोटेश्वर राव, कोटेश्वर राव, कोटेश्वर राव। शहर में बहुत काम कर रहा है ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, कार भी मेरी नहीं है और पेट्रोल भी मेरा नहीं, बस जर्नी मेरी है और जलवा भी। मैं समझा नहीं यार। कार कोई खरीदेगा और कोई बेचेगा, लेकिन होगा वैसा ही जैसा मैं चाहूंगा। ब्रोकर है क्या? अबे ब्रोकर क्यों बोल रहा है, दूसरा भी नाम है ना, मीडिएटर। सेकंड हैंड कार को फर्स्ट हैंड की तरह बेचता हूँ। दुनिया में जितने तरह के मॉडल होते हैं सबकी बिक्री की है मैंने, क्लच भी लगाया और गियर भी चेंज किया है। चलो बैठो, एक लॉन्ग ड्राइव लेके आते हैं, पता चलेगा सुकून क्या होता है। सही है। थैंक्स हाँ, मोबाइल मिस हो गया ही सोचकर बहुत टेंशन हो रही थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट है ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय द वे आई एम हारिका नागराजू। लोगों को सेल मिलता है तो वो स्विच ऑफ करके रख लेते हैं, और तुम इसे घर तक देने के लिए आ गए। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो पता चल रहा है। यू आर वेरी ग्रेट बेटा। नहीं आंटी। अरे बेटा अब ले भी लो। तुम भी लो बेबी। तुम्हारे फादर क्या करते हैं बेटा? ग्रेनाइट का बिजनेस करते हैं। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ बिजनेस भी है क्या? उनके बारे में भी तो बताओ बेटा। और दो दूध की फैक्ट्री भी हैं। ओह वेरी नाइस। आपकी मदर क्या करती हैं बेटा? मिल्क फैक्ट्री की मेंटेनेंस का काम वही देखती हैं। वाह रिच फैमिली। ग्रेट बेटा ग्रेट। देखो मम्मी कितना भी रिच हो लेकिन ये देख तो बहुत सिंपल रहे ना। मेरी पूरी फैमिली ऐसी ही है, सभी सिंपल दिखते हैं। सो नाइस ऑफ यू बेटा। तुमको देखकर ही सिंपलिसिटी का पता चलता है बेटा, बड़े लोग ऐसे ही रहते हैं। लाओ ग्लास मुझे दो। कोई बात नहीं आंटी। तो ठीक है मैं चलता हूँ आंटी। हाँ, चलता हूँ नहीं बोलना चाहिए, जाकर आता हूँ ऐसा बोलो। ओके जाकर आता हूँ।
कभी कभार आया करो बेटा, इसे भी तुम अपना ही घर समझो। हाँ ओके समझ गया, बाय आंटी। बाय बाय, टेक केयर। अरे जाओ ना। ए, फोन नंबर मांगना। नाग फोन, फोन नंबर, फोन 9 8 8 5 1 2 9 5। इस कॉल दो उसको। लड़का तो बहुत ही रिच लग रहा है मुझे, छोड़ना मत, अच्छे से इस्तेमाल करो। ग्रेनाइट बिजनेस को तो मैं ही देख लूंगी, मिल्क फैक्ट्री को तुम देख लेना। डालो। इकलौते बेटे को इस तरह से क्यों भेज दिया आपने? वो भी हमारे साथ यहाँ थोड़ी मदद करता तो हमें भी सहारा मिल जाता। देखो, हमने अपने बच्चे को पैदा किया है, उसे मेहनत नहीं करवाएंगे। हम मेहनत करेंगे तो वो उधर खुश रहेगा, उधर वो खुश होगा तो हमको यहाँ दुख नहीं दिखेगा। आखिर हमने उसे शहर क्यों भेजा है? वो हमें कमा करके भेजे, इसके लिए मैंने शहर नहीं भेजा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो इसलिए भेजा। हमारे मरने से पहले अगर वो अच्छे से खड़ा हो जाए तो अच्छा है ना। खाना तो खाओ पहले। आप चाहे कुछ भी कहो, ना जाने वो कैसा होगा, उसे देखने का बहुत मन करता है जी। नाम क्या है तुम्हारा? शीला। नाम तो बहुत मजेदार है तुम्हारा। शादी हो गई क्या? मेरी ही नहीं, मेरी माँ की भी शादी नहीं हुई। है क्या मतलब है? बेटी की शादी होने से पहले माँ की शादी नहीं हो सकती ना, इसीलिए रुकी हुई है। तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज बताऊँ क्या? क्या है वो? मेरे दो भाई भी हैं। ओह, वार्नर ब्रदर्स जैसा क्या? अरे नहीं, कॉर्नर ब्रदर्स। क्या करते हैं? बड़ा भाई पुलिस स्टेशन में है। कांस्टेबल है क्या? अरे नहीं, वो कैदी है। और छोटा भाई सिटी बस में। कंडक्टर है क्या? अरे नहीं, वो पिक पॉकेटर है। छी तेरी तो, ये कैसी फैमिली है तुम्हारी? तुम्हारी फैमिली में सब नेगेटिव है क्या? एक भी पॉजिटिव नहीं है क्या? क्यों नहीं है, मैं हूँ ना HIV पॉजिटिव। हे, तुझे मैं वैरायटी समोसा समझा था, तू तो वायरस समोसा निकली। तुझसे बात करने से अच्छा है कि अपनी चप्पल निकाल कर खुद को मार लूं मैं। कर क्या रहा है? ये कर क्या रहे हैं आप? हाथों को नमस्कार करते देखा था, पैरों को भी देखा था, पर चप्पल को नमस्कार करने वालों को पहली बार देखा है। अरे मेरे प्यारे पागल, हमको रास्ता दिखाता है, हमको चलना सिखाता है, चार लोगों के सामने हमें खड़ा रखता है ये चप्पल। ये चप्पल भगवान का रूप होता है, भगवान भी चप्पल पहनते हैं, इसीलिए हम उसको सर के ऊपर रखते हैं, मार खाते हैं और प्रणाम करते हैं। अरे थप्पड़ से मार खाने वाला ऊपर जाता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन चप्पल से मार खाने वाला जरूर ऊपर जाता है। चप्पल हमको रास्ता दिखाने में ही नहीं, जिसको अच्छे रास्ते पर लाना है उसको लेकर आता है। मैं बदमाश के जैसा घूम रहा था तो एक दिन इस चप्पल से मेरे बाप ने मुझे मारा, और बिना खाए पिए मेरे बाप सिर्फ उस चप्पल को ही देखते रह गए थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे तुरंत चप्पल की एक शॉप खोलनी है। तब मेरे गले में एक चेन थी, उसे बेचकर मैं सीधे शोलापुर भाग गया और वहां चप्पलें खरीद करके फुटपाथ पर बैठ करके उसे बेचना शुरू किया।
पता है मेरा टर्नओवर कितना था? साल में 6 करोड़ और 6 जिले में 66 शॉप थी मेरी। ए, बेकार की बातें सुनकर तुम जिंदगी में ऊपर आओगे ये तो पता नहीं, लेकिन चप्पल की बात सुनोगे तो जरूर ऊपर आओगे। चला बता, चप्पल महान है कि चप्पल के बारे में बोलने वाला महान? चप्पल महान है और आप भी महान है। दोबारा कभी चप्पल के बारे में पूछा तो उसी से मारना मुझे। पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखकर उठा था, फटी हुई चप्पल जैसी जिंदगी हो गई मेरी। अब ये क्या है? हर समय ये मेरी बात सुना करता था और आज ये इतना ज्यादा इमोशनल हो गया? आधी फटी हुई चप्पल के जैसा दिख रहा है ये। सुनिए जी, एक बार यहाँ आइए ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं। ये भी ना। क्या भाई, तुम्हारा साड़ी पहनना भी खत्म नहीं हुआ? तुम्हारी बहू आकर चली जाएगी तब भी तुम साड़ी पहनती ही रहोगी क्या? सुनिए ना, साड़ी पहनने में बहुत मुश्किल हो रही है, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। मैं तुम्हें बाथरूम की चप्पल जैसा दिख रहा हूँ क्या? तुम समझ नहीं रही हो। कोई भी आदमी चप्पल देखता है तुम्हारी साड़ी को नहीं देखेगा। चप्पल से ही लोगों का स्टेटस पता चलता है। ये चप्पल तो टूट गई। अरे रे 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 भगवान, शुभ काम के लिए जा रहे थे, ये अशुभ कैसे हो गया? अरे यार, चप्पल ही तो टूटी है, ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया जो ऐसी बातें कर रहे हो? भाई क्या है कि आपको मैटर नहीं पता, वो भाटा बंगा राजू है ना, जानते हो उसे? अगर पैर नहीं है तो वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन पैर में चप्पल नहीं है तो स्वीकार नहीं करता। तो अपना चप्पल दे दो मुझे। अरे नहीं, उसे पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है? शॉप में जाकर खरीदने का टाइम ही नहीं है। अरे अब क्या करें, अब तो भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे आपके लिए। मतलब मंदिर में जाकर उड़ाना चप्पल? लड़की तो चप्पल के शोरूम के जैसे दिख रही है। अरे ऐसी बात मत कीजिए आप। हाँ हाँ ठीक है, मेरा बेटा शोलापुर की चप्पल के जैसा बहुत ही सुंदर है, मेरे जैसा ही है। मेरा बेटा फोन कर रहा है। हाँ। अरे बेटा, तेरे बारे में बात कर रहे थे तभी तेरा फोन आ गया। 100 साल जिएगा तू, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। लड़की पैरागॉन चप्पल की तरह बहुत ही अच्छी है। अगले महीने हैदराबाद में शादी के लिए आ रहा हूँ, वहीं पर तुझे भी सेटल कर दूंगा। मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए किसने कहा आपसे? मैं तो लव मैरिज करने वाला हूँ। लव अब जैसा कुछ बात किया तो चप्पल से मारूंगा तुझे। अच्छा रिश्ता है, शादी कर लो। आप जो रिश्ता देख रहे हैं ना, मुझे नहीं करनी, मैं अपने लिए रिश्ता खुद ही देखूंगा। रखिए। आपका बेटा कुछ प्यार व्यार की बात कर रहा है ना? अरे भाई, शॉप में आकर कस्टमर 90 वैरायटी देखता है तब भी खरीदता नहीं है। ये भी ऐसा ही है, लेकिन ये कस्टमर नहीं है, कटिंग मास्टर है। ये भी मजाक के जैसा ही है। क्यों भाई, कौन से मंदिर से चप्पल चुराई है? एकदम सही पकड़ा आपने। अब लेडीज चप्पल पहनोगे तो पता नहीं चलेगा। वो क्या हुआ कि मेरा चप्पल टूट गया था? जब चप्पल टूट गई तो रिश्ता भी टूट गया। अरे भैया, छोटी सी बात है, मान लीजिए। बहन जी, मेरी बात बाटा के जैसी है, बार्गेनिंग नहीं हो सकती। पैर देखकर, उसकी चप्पल देखकर मैं उसकी कुंडली बता सकता हूँ। पंडित जी ने लेकर जाओ। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर और यहाँ रहेंगे तो हमारी चमड़ी से चप्पल तैयार कर देंगे ये। चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। कोई भी लव मैरिज करके घर जाता है, लेकिन तू ऐसा आदमी है जो लव मैरिज करने के लिए घर से बाहर आया है। तेरी बातें तेरी तरह विचित्र ही हैं। करना पड़ेगा ब्रदर, मेरा दिल एक मधुकोश की तरह है। मेरी रानी इस मधुमक्खी के लिए वेट कर रही होगी, वो जहाँ कहीं भी होगी एक दिन जरूर यहाँ आएगी, फिर देखना। ये तो बावला हो गया प्यार में। चली गई। हाय।
ए बच्चे लोग, जब वो आंटी आएगी तो जो मैं कहूंगा करना, तो सबको चॉकलेट दूंगा मैं। ओके। टोकन नंबर वन। ओके। एक काम करते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। कम इन। बैठ जाओ। अब अपनी प्रॉब्लम बताओ। हेलो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। अरे अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे समझूंगा? खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती मुझे। ऐसा क्या? फिर प्यास भी नहीं लगती होगी ना? करेक्ट। और रात को बहुत ज्यादा नींद आती है डॉक्टर। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो ना? अरे बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और बात करते समय लोग बिल्कुल देखते ही नहीं है मुझे। कब होता है? लैंडलाइन में बात करते समय। लगता है तुम्हारी खोपड़ी की कोई नस कंफ्यूज हो गई है। मैं करूंगा ट्रीटमेंट करूंगा मैं। अरे तुम्हारा बीपी देखकर मेरा बीपी बढ़ रहा है तो मुझे तुम डॉक्टर को दिखाने आए हो या सिस्टर को देखने आए हो? अगर एक मिनट और मेरे सामने बैठे रहे तो कौन सा ऑपरेशन करूंगा मुझे भी पता नहीं है। कट कर दूंगा। भागो यहां से। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। ए, नाम तो बताया नहीं। इडियट। मैंने आपका नहीं उनका नाम पूछा। गेट आउट। पेशेंट्स को भेजो, लवर्स को नहीं। सॉरी डॉक्टर। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? नो चांस। 3 घंटे पहले मैंने फुल टैंक किया था। फ्री का जो भी होता है ना, ऐसा ही होता है। हम फिल्म देखने के लिए निकले थे ना, लेकिन ये हमें फिल्म दिखा रहा है। अब क्या करें? अब कैब बुलाओगी ना? उससे भी कुछ अच्छा। हेलो। बस आ गए, यहीं पर गाड़ी रोक दो। हे। हाय। क्या हुआ स्कूटी को? मूवी देखने जा रहे थे पर स्कूटी खराब हो गई। तो मैकेनिक को बुलाना चाहिए था ना, इसे क्यों बुलाया? ये कौन है? इस कार का मेरा ड्राइवर है। लव का मामला है, थोड़ा एडजस्ट कर प्लीज। लगता है ड्राइवर को कुछ ज्यादा ही अकड़ है। अकड़ नहीं है, थोड़ा चोमू है। चलो लेट हो रहा है, चलते हैं। टाइम अच्छा नहीं है, बैठो। करे हो भाई, सीधे खड़े रहो ना। हाँ उधर देखो। ये तो हाउसफुल लगता है। तुम भी आओ ना हमारे साथ मूवी देखने। टिकट्स हैं? एक्चुअली ऑनलाइन सारी टिकट फुल हो गई। ऑनलाइन फुल हो गई तो क्या हुआ, वहाँ तो मिल रही हैं। इतनी भीड़ में आप जाकर टिकट लोगे? अरे वो क्यों जाएंगे, उनका ड्राइवर है ना, वो लेकर आएगा और क्या। मैं? क्यों? सैलरी नहीं चाहिए क्या? क्या बात कर रही हो, चावल खाती हो या बिरयानी खाती हो तुम? मैं कौन हूँ पता है क्या? कोटेश्वर राव। कोटेश्वर राव। कोटेश्वर राव। ड्राइवर होके कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम, अपना काम करो। अब ये भी बोलेगी, तेरा चक्कर तो इसके साथ है ना। ये कौन है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है? दरअसल ये ना हमारे पास बचपन से काम करता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। कौन से स्कूल में? ड्राइविंग स्कूल में। अपनी बकवास बंद करो, जाके टिकट्स लेकर आओ। जाना मेरे ही कर्म है। जाना। लोग तो बहुत है, सुबह से लाइन में होंगे। शर्ट मेरी नहीं है, शर्ट नहीं है मेरी। ए, शर्ट नहीं है मेरी। हाँ तो क्या करूं? अरे
देखो ले लिया ना, मुझे धक्का देता है। चलो, क्या डिजाइन है शर्ट का। शर्ट को क्या हो गया? थैंक यू, चलें। सी यू। गेट के पास ही वेट करना, हम लोग बस जल्दी आ जाएंगे। बाय। इसको तो लॉरी में लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। सच में तुम्हें पुलिस की नौकरी इतनी पसंद है? जान है। और मैं? तुम भी जानो। और कौन सी चीजें पसंद है? कानून, न्याय, धर्म, कर्तव्य और ईमानदारी। जो दिखता है तीन शेर, कानून, न्याय और धर्म का प्रतिरूप निकाला जाए तो वो चार शेर होंगे, जो है अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। सो फ्यूचर में आप सर? हेलो, उतना भी नहीं सोचा है मैंने। तो इतना? इतना भी नहीं। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। मेरा दिमाग खाना छोड़ करके इसे खाओ। थैंक यू। नारायण। हाँ सर। ये मिनिस्टर को आने में अभी और कितना टाइम है? वो टाइम क्या होगा कि? अरे पता लगाओ यार। ठीक है सर। और कितना टाइम होगा? ठीक है सर, दस है? दस मिनट और होगा सर। जरा फोन दे। हेलो भाई अर्जुन। नमस्ते सर। अरे हमारे कुत्ते को फीवर है, उसको पेट हॉस्पिटल ले जाकर वैक्सीन लगवा। ठीक है सर। सुबह उसको नहला दिया था ना? हाँ सर। गुड। लौटते वक्त एक अच्छे रेस्टोरेंट से मैडम के लिए दम बिरयानी लेकर आना। ठीक है सर। और उसमें लेग पीस बहुत ज्यादा होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है सर। सर मेरी जॉब के बारे में क्या हुआ? पता है मुझे, पहले तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ओके सर। आई लव यू। सिस्टर को आई लव यू बोलते हैं क्या? किसी की सिस्टर को तो बोल सकते हैं। मुझे भूल जाओ। तुमको देखकर मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ, तुमको भला कैसे भूलूंगा? भूलने के लिए मत कहो, मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। आई लव यू। हटो। ए डार्लिंग। हेलो। आप कहाँ हैं सर? कमिश्नर साहब के साथ हूँ, बाद में बात करूंगा। कमिश्नर साहब मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन पे हूँ, बाद में बात करूंगा। हाँ? कब क्या हो जाए, मैं यहाँ लैंडमाइन पे खड़ा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओ, तो फिर आपका ऑपरेशन कितनी देर में फिनिश होगा? वो मेरे हाथ में नहीं होता है, कमिश्नर साहब के हाथ में होता है। ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन का मतलब यही है क्या? वो सॉरी, कुछ भी करके मुझे बस पुलिस वाला बनना है यार, जानती हो ना? तुम भी ना। चाय पियोगी? कमिश्नर सर के साथ। कैफे में भी आपके कमिश्नर जी ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे ना? मजाक कर रही हो ना? अंजलि से मैं बहुत प्यार करता हूँ यार, लेकिन कैसे बताऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भी यही हाल है भाई, हरिका को बता ही नहीं पा रहा हूँ। ऑनियन समोसा, आलू समोसा। मैं तुम सबसे सीनियर हूँ, मुझसे पहले सेट करने के लिए सोच रहे हो क्या? ये सब प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। ऐसे लव मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। नर्सरी में नलिनी,
अपने पेंसिल को उसके मुंह में रख करके आई लव यू बोला था। वो मेरी पेंसिल को खा गए लेकिन आई लव यू नहीं बोली। भैया आई लव यू बोलना इतना आसान नहीं होता। फर्स्ट क्लास में पल्लवी स्लेट पर लिख करके प्रपोज किया था, उसने उसको जीभ से चाट लिया। और सेकंड क्लास में रोजा उसकी चोटी खींच कर पूछा था, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? उसने मेरे दोनों गाल पर थप्पड़ मार दिए। टीचर की बेटी थी वो, मेरा टीसी काट कर मेरे ही हाथ में थमा दिया। टेंथ क्लास में पद्मिनी पब्लिक एग्जाम में पब्लिक के सामने प्रपोज किया था, एग्जाम में फेल हो गया, लव भी फेल हो गया। ये सब वर्कआउट नहीं होगा भाई। अगर सच में लव है ना तो लड़की ये कोशिश करेगी कि वो तुम्हें एक बार कॉल करे और तुम्हें कनेक्ट करेगी। कम से कम कॉल तो करेगी ना एक बार। हेलो ए हरिका। अरे मेरे पास कॉल सेंटर से ही कॉल आ जाए यार। इस बार फसल अच्छी हुई तो मैं अपनी बेटी की शादी करने का विचार कर रहा हूँ। सब ऊपर वाले की दया है। क्या अंजलुर भाई आसमान में देख रहे हो क्या बारिश होने के लिए? हाँ नहीं भैया, अपने बेटे वरुण के लिए। हवाई जहाज दिखाई देता है तो लगता है कि वरुण आ रहा है। क्यों भाई, तुम्हारा बेटा अमेरिकन डॉलर एरोप्लेन से गिराएगा क्या? तुम्हें ऐसा ही लगता है। मैं अपनी तकलीफ किसे बताऊं? बड़ी मेहनत करके एक एक रुपया जोड़कर मैंने अपने बेटे को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया। उसे अमेरिका गए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, आज तक उसने 50 पैसे भी नहीं भेजे हैं मुझे। एक बात कहूं तो बुरा मत मानना, जिन्हें हमने पैदा किया है उनसे हमें पैसों की उम्मीद रखना ये अच्छी बात नहीं है। हम पेड़ के जैसे हैं, हम उसे छाया देते हैं तो उसे छतरी पकड़ने को कैसे कह सकते हैं? क्या है जी, आपको ना उम्र बढ़ने के बाद भी बड़े शौक पैदा हो रहे हैं। शौक मुझे? फिर ये क्या है? ओ ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे बेटे की। वो शहर जाकर काम करेगा ना, उसी के लिए है ये। कितने का है जी? 30 का बोल रहा था, 20 में लेकर आ गया मैं। अरे 20 रुपए का है क्या? ये लगाएगा तो बिल्कुल हीरो के जैसा लगेगा मेरा बेटा। लो इसे रख दो। फेसबुक रिक्वेस्ट। ये फेस मुझे कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। सर मेरा है, एक्सेप्ट कर लीजिए सर। ओ तो तू है, अब इस बार क्या किया तूने? आप ही देखिए सर, मैं तो शॉपिंग कर रहा था और मुझे उठा के अंदर डाल दिया। हाँ शॉपिंग कर रहा तो अरेस्ट क्यों करेंगे? शॉप क्लोज होने के बाद शॉपिंग कर रहा था ना। सर इस बार रियो ओलंपिक्स में इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। सर इस बार मुझे भेज के देखिए, सारे मेडल्स उठा लाऊंगा। तुम थोड़ा रुको यार। सही बात है, तुम सच में उठकर ही जाओगे। ये क्या मजाक चल रहा है? ये पुलिस स्टेशन में बैठे हो या लाफिंग क्लब में बैठे हो? गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर साहब का प्रोग्राम क्या हुआ? पता नहीं है सर, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। बताया नहीं है या मुझे नहीं बता रहे हो? सर कमिश्नर सर वैजाग कैंप के लिए गए हुए हैं सर। हेलो, कमिश्नर साहब घर पर नहीं है। बेचारे सर के घर पर ब्लैक मनी बहुत है, उसको सीज करके व्हाइट मनी में कर दो। कमिश्नर अब तुम तो आउट। सब ऐसे ही होते हैं। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आई एम एसीपी श्रीनिवास यादव। सर्च हाउस पूरा सर्च करो। अरे ओके सर, एक इंच भी मत छोड़ो। वेट फास्ट। ओके सर, ओके सर, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके सर, निकलो। अरे
सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं सर, अकाउंट्स भी सही है एकदम। थक गए होंगे आप, पानी पी लीजिए। नो थैंक्स। बाला मेरी बात ध्यान से सुनो, टेंशन मत लेना। खबर मिली है कि हमारे घर में एसीबी की रेड पड़ने वाली है। घर में जो भी ब्लैक मनी है सब कुछ पैक करके वो बैग अर्जुन से रोड नंबर 10 पर लाने को बोलो। मैं रिसीव कर लूंगा इमीडिएटली। अर्जुन सर कैंप जा रहे हैं, रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स में है। जल्दी से ये बैग लेकर जाओ और उन्हें दे देना। ठीक है मैडम। संभल कर जाना। ठीक है मैडम। कपड़े खराब हो जाएंगे। Nothing found, sir. रुको, साइड में लो, साइड में लो, चलो साइड में। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस नहीं। कहाँ से आ रहे हो? घर में भूल गया। जाना कहाँ है? ए, साइड में लो, साइड में लो उसको। रुको, साइड में लो। कहाँ भाग रहा है? और इनके गाड़ी के पेपर और लाइसेंस चेक करो। सर, अभी कौन लेकर चलता है? एक से ध्यान रखना, कोई जाने ना पाए, समझ गए ना तुम लोग? रुको। हाँ ठीक है, रुक जाओ। लाइसेंस दिखाओ। जल्दी करो, जल्दी। कहाँ हो नाग? और वेट नहीं कर सकती मैं। बस अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ओके ओके सर। अच्छा अपने मम्मी पापा से मुझे कब मिलवाने वाले हो? उनसे इतना जल्दी मिलना तो मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे डैडी डेट्रॉइट में हैं, मम्मी मलेशिया गई हुई हैं और मैं यहाँ इंडिया में हूँ। तीनों को मिलना है तो कुछ खास ओकेजन होना चाहिए ना, तभी तो मिलने का मजा आएगा। तो हमारी शादी का ओकेजन हो सकता है ना? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे मम्मी और पापा का आशीर्वाद चाहिए, समझे? ओके। जल्दी आ जाओ। हाँ चलो बाय। बेटी मेरा ना एक बेटा है, वो यहीं पर रहता है, बहुत पढ़ाई करता है वो। अरे कुछ नहीं, जरा तुम पीछे हटो। हाँ बेटा इसे देखो। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं हॉस्पिटल से कूद करके मर जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। तो फिर कूद जाओ, मुझे शांति मिल जाएगी। ए, बाइक साइड में करो। ओके, ये बाइक चेक करो। क्या सर, पुलिस वाला बनने वाला हूँ, आप मुझे ही चेक करेंगे? सर उन्हें छोड़ दीजिए सर, वो अपने आदमी है। नहीं, काम वाला है। सर टच मत करिएगा सर, अंदर सब कपड़े हैं, कुछ भी खराब हुआ तो मुझे डांट पड़ेगी। ए, बैग चेक करो। सर ये देखिए। क्या है ये सब? सर ये पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता है सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता। नारायण सर आप बताइए ना इन्हें मेरे बारे में। ए, तुम लाइफ में कभी पुलिस नहीं बनोगे, तुम और तुम्हारा कमिश्नर आउट। अब चलो। कुछ नहीं बेटा, इस एड्रेस पर मेरा बेटा रहता है, उसका घर ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, जरा देख करके तुम बता दो बेटा। सॉरी मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे चावल में वैरायटी होती है वैसे पढ़ाई में भी होती है। बेचारी लड़की हिंदी मीडियम में कभी पढ़ी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है ये। हिंदी हो या चाहे इंग्लिश हो, पढ़ाई में एक ही भगवान है, वो है पैसा। शहर की पढ़ाई लोगों के काम नहीं आती है। हाँ। अच्छा बेटी मुझे अमीर पेट जाना है, उसका रास्ता तुम बता सकती हो क्या? तुम क्या जानते हो, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। पुलिस की जॉब पाने के लिए कमिश्नर को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी है।
तुमने भी रिश्वत ली है क्या? जो इसका फेवर कर रहे हो, इसको लॉकअप में डालकर इसकी धुलाई करेंगे तो सच बताएगा। डालो इसको गाड़ी में। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सॉरी। चलो स्पॉट डेड। आप में से किसी को इसके बारे में कुछ पता है? अरे इसने सुसाइड किया है, लव का मैटर था। ओह गॉड। मरने वाले थे ना? सच में मरने वाला था, लेकिन डर लग रहा था। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगी? तुम भी मर जाओगी ना, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। प्यार करती हो ना? नमस्ते सर। आना। क्या श्रीनिवास, शौक लगा क्या? हाँ? तुमने मेरे बारे में एसीबी को इन्फॉर्मेशन दी, उन्हीं एसीबी वालों ने मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन दी। छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर वो पुलिस को क्रिमिनल माइंडेड तो होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल जैसी प्लानिंग नहीं। पुलिस की प्लानिंग तो पक्की होनी चाहिए, और किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे बारे में मैं पक्का प्लान करूंगा। अगर दोबारा ये रिपीट हुआ तो एनकाउंटर में मिलेंगे। गाड़ी रोको। सर आप गलत मत सोचिएगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप पकड़े जाते तो आपकी जॉब चली जाती, अगर मैं पकड़ा जाता तो पूरी लाइफ पुलिस नहीं बन पाता। ये गलत है सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं और मुझसे भी गलत करवा रहे हैं। ऐसा मत करिए सर। मुझे सिखाओगे तुम? हैं? उतरो उतरो। चलो। कैसे हो बेटा? तुम समय पर खाना तो अच्छे से खाते हो ना? कितना कमजोर हो गया। ए, सुनो ना ये। हाँ। ये लो।
ये क्या है? वो स्प्रे है पापा, स्प्रे। उसको सेंट बोलते हैं, लगाओ अच्छा लगेगा। गरीबों का तो भगवान का दिया हुआ पसीना ही सेंट होता है। वो मेरे पास बहुत है बेटा। तुमको नौकरी मिल जाएगी तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ। इंसान की परेशानी और आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते हैं। अरे पापा, एक दिन मुझे जरूर नौकरी मिल जाएगी। सच कह रहा हूँ माँ, तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा भी भेजूंगा। हाँ, नजर ना लग जाए तुझे। देखो जी इसको, ये ले मिठाई खा ले। मेरे पास खेद है बेटा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो पापा, इसमें मदद करने वाली कौन सी बात है? मैं गाड़ी बंगला सब खरीदूंगा। वो कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक काम करोगे? बोलिए ना पापा। हमारी चिता को आग लगाओगे ना? अर्जुन, सर कुछ मत बोलो, करेक्ट नहीं है। तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं। ऐसा मत बोलिए सर, पुलिस बनना मेरा बचपन का सपना है। अर्जुन, इस खाकी ड्रेस का मतलब समझते हो? इसे पहन लिया तो न्याय के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं, अन्याय के लिए भी न्याय ही करना होगा, लेकिन तुम न्याय के लिए अन्याय कर रहे हो। इंसान को जीने के लिए बहुत जॉब है। अगर इंसान को सुख से जीना है तो सिर्फ एक ही काम है, पुलिस। जॉब करते वक्त रिश्वत लेना जितना गलत है, उतना ही जॉब के लिए रिश्वत देना भी गलत है। तुम्हारे जैसे लोग डिपार्टमेंट में आकर जो कुछ थोड़ी अच्छाई बची है उसे बदलना मत। पुलिस के प्रति जो इज्जत है, जो मर्यादा है, उसको बर्बाद मत करना। जाओ, यहां से चले जाओ, चले जाओ प्लीज। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, कसम खाता हूं सर। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। धन्यवाद बाबू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अरे भाई कुछ दे दो ना। ये क्या, इसने पैसे उठा लिए? अच्छा चलिए, मैं तब तक इंट्रोडक्शन बताता हूं। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई। मेरा नाम मोहम्मद राव है। मेरा नाम मनमाधा राव है जी। ये फूल किसके लिए है? नहीं नहीं, मेरी देवी के लिए, मतलब मेरी पत्नी के लिए है सर। अच्छा, अगर इसे बैग में रखूंगा तो मुरझा जाएंगे ना, इसीलिए इसको ऐसे ही लेकर जा रहा हूँ सर। लेकिन इसमें पसीने की बदबू लग जाएगी ना। मैं हवा मारते रहता हूँ ना सर। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? लास्ट ईयर ही हुआ था सर, लेकिन अभी तक सुहाग रात नहीं हो पाई है सर। उनका भी नहीं हुआ है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने हनीमून के लिए ऊटी जाने के लिए कहा तो वो गोवा जाने के लिए कह रही थी। आपके साथ जाना नहीं चाहती? ऐसा कुछ नहीं है सर, इस बीच में स्टेट डिवाइड हो गया था ना, तो वो तेलंगाना में चली गई और मैं आंध्रा में चला गया। ऐसे हम दोनों अलग हैं, लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। जो भी देखता है ना हम दोनों को, कहता है यू मेड फॉर ईच अदर सर। मुझे तो डाउट है। आपने बिल्कुल सही बात कही। वैसे करते क्या हैं आप? जू में जॉब करता हूँ सर। परफेक्ट जॉब है सर। वो आपको देखकर डरते नहीं? बस आ गई। बस आ गई। ऑल डाउन, ऑल डाउन। बाद में कॉल करता हूँ। बस आ गई है। हाँ ठीक है। मर्सी। अरे वाह। क्या करूँ? अरे भाई क्या कर रहे हो? रुको ना, रुको। बस में चलते चलते उल्टी आ जाती है कभी कभी मुझे। रुको रुको रुको, यहाँ आकर बैठ जाओ। बैठो। थैंक यू सर। बैठो।
अरे मैं पेपर पढ़ रहा था, ले क्यों लिया? अरे जितना भी लिखा है सब अकेले पढ़ोगे क्या? पढ़ो ना। बोरवेल में पति पति को फूल से मार के बीवियों का आतंक जारी है। हाँ मेरी बीवी ऐसा नहीं करती है। वैसे अगर फूल से मारा तो इंसान कैसे मर सकता है? उसका पति आपकी तरह स्ट्रांग नहीं होगा। इसको तो मुझ पर शक हो रहा होगा। मेरा स्टॉप आ गया। अरे मेरा पेपर दो ना। हैं? अरे पूरा का पूरा पढ़ लिया ना, अब क्या पढ़ोगे? जाओ, हाँ, जाओ उतरो ना। लो, अजीब इंसान नहीं लग रहा है, कोई प्रॉपर्टी है। आप बैठिए ना। अच्छा आप क्या काम करते हैं सर? जो मिल जाता है उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। सुनिए ना सर, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, थोड़ा सा अपना फोन दीजिए ना थोड़ी देर के लिए। सुपर। हेलो। अच्छा सुनिए जरा, मेरी बीवी से बात करवाइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट लाइन पर रुकिए भैया, जरा जल्दी बुलाइए ना उसे। भाभी भाभी, भैया का फोन आया है। हाँ। आप जिसे संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त हैं, कुछ देर बाद प्रयास कीजिए। हाँ बोलिए जी। अच्छा आज खाने में क्या बनाने वाली हो, कुछ तो सोचा ही होगा तुमने। हाँ आपका मुँह, गैस खत्म हुए 3 दिन हो गए, आपने कुछ किया? अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में जो सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करो, सब इस्तेमाल होना चाहिए ना। हाँ। ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला, फोन क्यों किया है ये बताइए। अच्छा अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं? बड़ा वाला सामने वालों के घर में खा रहा है और दूसरा वाला बगल वालों के घर में खा रहा है। और तुम अब तक अपने ही घर में खा रही हो? मेरा आज उपवास है, टेंशन मत लीजिए। अच्छा है, हमारे योगी बाबा भी उपवास की तारीफ करते हैं। आप जिसे कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें। हे भगवान, आप फोन रखिए, मुझे बात नहीं करनी है। खाने में क्या बनाया भाभी? हाँ? उपवास है मेरा आज। सर बैलेंस खत्म हो जाएगा, फोन दे दो ना। होगा क्या, हो गया। हाँ? और जब मैं बात कर रहा था तो कॉल भी बहुत सारे आ रहे थे आपके। हाँ तो फिर बोलना चाहिए था ना। अब बोला ना। हाँ, तब से बात कर करके फोन का बैलेंस खत्म कर दिया। मिसेज है क्या? मेरी मिसेज है। हेलो डार्लिंग, हंसा। इतनी देर से किसके साथ बात कर रहे थे? तुम्हारा फोन कब से इंगेज आ रहा है? अरे मैं बात नहीं कर रहा था। जब तुम डुअल सिम फोन खरीद रहे थे ना, तभी मुझे डाउट हो गया था। अरे डार्लिंग हमसा, मेरी बात तो थोड़ी सुन लो। आज ये हमसा तुम्हारे साथ हिंसा करने वाली है। घर तो आओ तुम, फिर बताती हूँ तुमको। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। इतनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। किससे इतनी देर बात करती हो कि जब देखो तब बिजी ही रहती हो? हमारे पड़ोस में जो भैया रहते हैं ना, उन्होंने भाभी के लिए फोन किया था। क्या कहा? हमारे वामन राव जी? हाँ। क्या उनकी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गए, जरा बात कराओ। यही नंबर है ना? हेलो मनमधु राव स्पीकिंग। मनमधु राव? मनमधु राव बोल रहा है, ये तुम्हारा ही नंबर है क्या? यस yes, मेरा ही है, 5 साल से उसे यूज कर रहा हूँ, लॉन्ग कनेक्शन। बोलो क्या बात है? Hi viewers. Yes, I am the old customer, so what? ओहो, तो 5 सालों से ये सब चल रहा है। अरे कौन है तू, ऐसे बकवास कर रहा है, फाड़ कर रख दूंगा, माइंड योर टंग। गाट डालूंगा तुम्हें मैं। ए मनमधुराव, बस एक बार तुम मुझे कहीं मिल जाओ, फिर देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तब तक मैं वार करता हूँ अपने गालियों के अस्त्र से। अरे
मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझ जा। किससे बात कर रहा है पता है क्या? डार्लिंग, ये मन्मदराव कौन है? मुझे क्या पता जी, मैं नहीं जानती। अच्छा, तो मुझे जलाने के लिए? शक करने की भी कोई हद होती है जी? मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खा के कहती हूँ, अगर आप गलत हो गए तो आप मर जाओगे, और अगर मैं गलत हुई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। हाँ? कुछ भी करूँगा तो मैं ही मरने वाला हूँ। टिकट अंबरपेट की एक टिकट दे दो। अंबरपेट? हाँ। ये बस वहाँ नहीं जा रही है, ये बस कहीं और जा रही है, उतरो। सॉरी, बिना सोचे समझे बैठ जाते हैं। बस रोको, ये लो। अजीब आदमी है। अमीरपेट से अंबरपेट जाओ, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अबे मुझे सब पता है, मुझे अंबरपेट नहीं अमीरपेट ही जाना है, मेरे टिकट का पैसा बचाना। हेलो जीजा जी। ए, मेरा बेटा शहर में लव के चक्कर में पागल जैसा घूम रहा है, उसको जरा तुम कंट्रोल में करो। हाँ सब समझ गया मैं, वो भी मेरी तरह बड़ा आदमी बनेगा। उसे डिसिप्लिन में रखो, अपने जैसा नहीं। मेरे बारे में जानते हैं ना, पैसा वसूल। ए, वो सब मैं देख लूंगा। तुम कहो तो अपना एटीएम कार्ड भी दे दूं। आप तो कमाल हो। सुनो, अगले हफ्ते हैदराबाद में शादी है, मैं आ रहा हूँ, तब हम लोग उसके बारे में डिसीजन लेंगे। आप जहाँ आने वाले हो वहाँ का एड्रेस SMS करो, बाकी सब मैनेज कर लूंगा मैं। ठीक है मैं रखता हूँ। बिना पैसे का कुछ करता नहीं है कभी ना कहीं। बाय। कहां से आ रही है? अरे ये तो भूल ही गई। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्या बात है माँ? तुम्हारे पापा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, तुम्हारे जीजा ने तुम्हारी दीदी को धोखा दिया है। हमारी जिंदगी की तरह तुम्हारी भी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। अपनी जिंदगी तुम देख लोगी तो हमारी जिंदगी का क्या होगा, कभी सोचा है? दीदी उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया? तुम्हारे दिल में अगर ऐसा कुछ है तो उसे भूल जाओ। माँ तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम उससे प्यार नहीं करोगी। प्यार नहीं करूँगी और उससे कभी बात भी नहीं करूँगी, ठीक है ना? ना होता तो तुमसे प्यार करके मैं बेवकूफ बन गया। छी, तुम मुझे धोखा दे रही हो। पता है तुम सच में बेवकूफ बन गए हो। वो एक शॉर्ट फिल्म थी, टाइटल है रोज एक नया प्यार। तुम्हें तो पता है ना कि मैं मूवीज के लिए ट्राई कर रही हूँ। लड़के को हग करते वक्त तो देखा तुमने, लेकिन कार में जो कैमरा था वो नहीं देखा तुम्हें। ऐसा क्या? I'm sorry, माफ कर दो मुझे। ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा ही रहता। क्या हुआ आंटी? छोड़ो ना मम्मी, हमारी प्रॉब्लम्स उसको क्यों बता रही हो? क्या बेबी ऐसे क्यों बोल रही हो? बेटा हो या दामाद, अब तो यही सब कुछ है। इसको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे जाकर? क्या हुआ आंटी बताइए ना। हरिका क्या हुआ बताओ ना, प्रॉब्लम बताओ मैं सॉल्व करूंगा। नहीं बेटा, मेरे हेल्पिंग नेचर के बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता है। एक चिट फंड के लिए मैंने श्योरिटी किया था, श्योरिटी लेने के बाद वो पैसा लेकर भाग गया। हम क्या करते बताओ बेटा? अब वो चिटफंड वालों को एक महीने में हमें सारा पैसा देना है, और अगर नहीं दिया तो वो फर्नीचर लेके यहाँ से चले जाएंगे। हे भगवान, अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। बेटा
तुमसे ऐसे पूछ रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। हाँ? कुछ पैसे अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो तो। कितने पैसे हैं? 2 लाख ओनली। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक हफ्ते में पैसे ले आऊंगा। अरे अरे, ऐसा दामाद पाने के लिए मैंने कितने पुण्य किए होंगे। तुम तो ग्रेनेड के पहाड़ निकले। थैंक यू नाग, थैंक यू सो मच। माँ, आपके बेटे का फोन आया है। हाँ, मेरे बेटे ने फोन किया है। आती हूँ मैं। वो लाइन पर है, बात कर लीजिए। हाँ, कैसे हो बेटा, खाना ठीक से खाते हो ना? हाँ माँ, खाता हूँ। और पापा कैसे हैं? तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, जब तुमको जॉब मिल जाएगी तो। वो तो जल्दी मिलने वाली है माँ, लेकिन। लेकिन क्या हुआ बेटा, बताओ ना। वो लोग 2 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं माँ। 2 लाख? मैंने अपनी सारी जिंदगी में 2 लाख कैसे होते हैं कभी नहीं देखे। अगर इस हफ्ते में उन लोगों को 2 लाख दे दिए तो जॉब मिल जाएगी। आप कैसे भी करके पापा से बात करो ना माँ। पूछ लेती हूँ बेटा, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ, फोन रखता हूँ। अभी के अभी 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे आप? अब हम दोनों की जिंदगी तो ऐसी हो गई है कि उसे नौकरी मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी और उसकी जिंदगी उजाले से भर जाएगी। हमें और क्या चाहिए? सच कहा आपने, लेकिन एक ही खेत है, वो भी अच्छा नहीं है। अभी उस बेकार खेत को कौन खरीदेगा? कहां से लाएंगे 2 लाख? लेकर आऊंगा, कैसे भी लेकर आऊंगा। अरे चलो 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 चलो। कहीं जीवन, कहीं मातम कहीं जीवन, कहीं बिछड़न कहीं संगम, कहीं टूटे चूड़ियां हाथों से, कहीं प्यार में डूबा संगम हो, कहीं दर्द में डूबा जीवन हो, कहीं आंखों में खोया बंधन हो, कहीं लूटता जैसे सब कुछ हो, कहीं खिले जैसे नव जीवन हो, कहीं सब कुछ खोकर सबसे बिछड़ कर अंतिम संस्कार हो, कहीं मस्ती में खोकर सबको भुलाकर प्यार का संगम हो, कहीं मातम कहीं जीवन, कहीं बिछड़न कहीं संगम। कोई मस्ती में झूमे, कोई दर्द से रोए, कोई प्यार से पार न पाए, कैसा है ये जीवन, क्या पाता और खोता जीवन, कहीं रंगीन सा जीवन, किसी ने त्याग दिया ये जीवन, कहीं मातम कहीं जीवन, कहीं बिछड़न कहीं संगम।
तुझे पुकारूं, बोल ना कैसे तुझको बोलूं, अंतिम बार पुकारूं कहीं से आजा बेटे अब तू। तुझ बिन कैसे जीऊं, इतना दर्द मैं कैसे सहूं, आ जाना अब तो तू, ऐसे चला गया है कहां तू। कहीं मातम कहीं जीवन, कहीं बिछड़न कहीं संगम। थैंक यू सो मच। क्या बेबी तुम भी? हाँ, ओनली सॉरी और थैंक्स बोलोगी तो कैसे चलेगा? हाँ दामाद जी को असली बात तो बताओ जो तुम्हारे दिल में है और तुम्हें कहना है। आई लव यू। थैंक यू सो मच। ओके आंटी मैं चलता हूँ। चलता हूँ नहीं, आता हूँ कहते हैं बेटा। ठीक है आंटी, आता हूँ। ओके माय डियर, बाय 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 हरिका। क्या कर रही है तू? वो बेचारा तुमसे सच में प्यार करता है यार। वो मुझे अकेला ही प्यार कर रहा है, लेकिन मैं उसके जैसे बहुत लोगों से प्यार कर रही हूँ, तो वो ग्रेट है या मैं हूँ? प्यार एक बिजनेस की तरह होता है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं। ऑटो चलेंगे क्या? ऑटो नहीं, मैं चलेगा। हे, हाथ छोड़ो। अकेले होता तो छोड़ देता, लेकिन अपने दोस्तों का क्या करूं। हाथ छोड़ो मेरा। किसका वेट कर रहे हो भाई, इसे अंदर खींचो। खींच लो भाई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देख जरा ये भाई। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से लड़कियां ऑटो में बैठने से डरती हैं, और तुम लोग की वजह से सिंसियर ड्राइवर बदनाम होते हैं और उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा। गलत है। तुम्हारे मना करने के बाद भी उसी के साथ घूम रही है। आप ये क्या कर रही हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए। एकदम चुप। दोबारा मेरी बेटी के आसपास दिखे या उसे बात भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। जाओ। माँ ऐसा हुआ था कि बस करो, तुम अंदर चलो। चलो माँ, माँ प्लीज। अर्जुन, अर्जुन। थैंक्स नाग, पैसे देकर तुमने हमारी बहुत हेल्प की है।
थैंक यू सो मच। तुम्हारी हेल्प की वजह से मम्मी कितनी खुश है पता है? यू आर रियली ग्रेट। हरिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात सुनकर गुस्सा मत होना प्लीज। मैंने तुमसे एक सच छुपाया था, अब उसे बताने का वक्त आ गया है। दरअसल मैं कोई करोड़पति फैमिली से नहीं हूं। एक एकड़ जमीन है, दो भैंस और इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पापा बिजनेसमैन नहीं बल्कि छोटे से किसान हैं। उस वक्त मैंने झूठ बोला था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं श्रीशा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं सिर्फ प्यार दे सकता हूं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए। लव यू नाग, लव यू। आई लव यू टू। तो मैं चलती हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर तो तुमने इस बारे में उन्हें बता दिया होगा है ना? हेलो। हेलो बेटा, कहाँ है? हाँ पापा, अगले हफ्ते हैदराबाद में एक शादी में आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो उसे फंक्शन में लेकर के आओ। हमें अगर वो पसंद आई तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, नहीं तो तुम्हारे प्यार को तुम्हें वहीं छोड़कर आना होगा और हमारे बिजनेस में हाथ बटाना होगा, समझे? ठीक है पापा, अगले हफ्ते पापा हैदराबाद शादी के लिए आ रहे हैं। उसी शादी में हमारी शादी भी फिक्स हो जाएगी। हाँ ठीक है ना। हाँ, बुके तो बहुत ही अच्छा है। कितने में खरीदा? 300 में लिया है। इसको देने के लिए? लड़के को देने के लिए। फोन रिंग हो रहा है आपका। अब किसका फोन आ गया? दीजिए मैं पकड़ता हूँ। हेलो। कांग्रेट्स। अरे इसने मेरा गुलदस्ता चोरी कर लिया। खाना कहाँ पर है सर? डाइनिंग हॉल में है सर। पर बासमती राइस जो है वो ओरिजिनल है ना? सर कुछ दिख रहा है क्या? अरे क्या दिखेगा, ब्लैक कलर है ना। ओहो। कलर के साथ थोड़ा मॉडल भी अच्छा हो तो अच्छा लगता है। तो इसका भी मॉडल होता है क्या सर? कितनी सुंदर है। कलर मॉडल के साथ साथ डिजाइन भी अच्छी होनी चाहिए। ओ, इसमें भी डिजाइन होता है क्या? कलर मॉडल और डिजाइन के साथ थोड़ी हाइट भी होती तो अच्छा होता। लेकिन हाइट से क्या होगा सर? हाइट से खूबसूरत लगेगा ना। अच्छा सर ये बताइए, अब तक कितने मॉडल्स देखे आपने? अरे 2500 देख ली यार, कोई भी सही नहीं लगी। अच्छा भाई, शादी में सिंगल आए हो कि फैमिली के साथ आए हो? अरे सर मैं तो फैमिली के साथ ही आया हूँ। तुम्हारी बीवी कहाँ है? उधर है सर। क्यों? मॉडल देखने के लिए। ओहो, अरे क्या बात कर रहे हैं। हेलो ब्रदर। छी, ऐसे लोग भी शादी में आते हैं क्या? थैंक यू, हैप्पी मैरिड लाइफ। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हे। चलो अपने पापा से इंट्रोड्यूस करा दूं। वही है मेरे पापा। तुम अगर अंधे के बेटे होते ना तो भी मैं तुमसे शादी कर लेती, लेकिन तुम एक जलील इंसान के बेटे हो। आई हेट यू। ए बेवकूफ, वो तुझे मार कर जा रही है, तू चुप बैठा है? सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ऐसे आप बेशरम की तरह क्या देख रहे थे? चप्पल से मारूंगा, पैर के चप्पलों को देख रहा था। अगर डिजाइन अच्छी है तो अपने शॉप में रखूंगा ऐसा सोचा। शादी के लिए आए थे और आपने मेरी ही शादी कैंसिल कर दी। आप मेरे पिता है कि मेरे दुश्मन है? मैं सच कहूँ तो मैं ही हूँ तुम्हारा बाप। एकदम सही बोला जीजा जी। लेकिन मेरा लव आपको क्यों पसंद नहीं है? सारे इंसान तो एक ही होते हैं। जाति भी तो मिलनी चाहिए। सब चावल ही खाते हैं ना। वैरायटी होती है। सबके शरीर में खून ही होता है ना। ग्रुप अलग होते हैं। आप कुछ भी कर लो, उस लड़की को हमसे अलग नहीं कर पाओगे आप। अबे पागल लड़के, लाल गुलाब लेकर शहर की बस में लड़कियों के पीछे जाएगा तो क्या लाल कारपेट बिछाएंगी? अरे तू इन सबको साइड में रख और इनकी बात मानकर अरेंज मैरिज कर ले। छे, मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया आपने। अरे जागा रहे, कैसा लगा जीजा जी? सुपर। ये कभी प्यार में नहीं पड़ेगा अब। हाँ। लेकिन मेरा मैटर। हाँ, मैटर ये ले कार्ड। ओह थैंक यू। इसका पिन कोड? हाँ अब मैं निकलता हूँ। हाँ? ये तो मेरा ही कार्ड है। मेरा ही कार्ड मुझे देकर यहाँ से चले गए? आप तो बहुत खतरनाक हो। मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ, आपने मेरा ही इस्तेमाल कर लिया। क्या कह रहे थे आप?
एसआई पोस्टिंग के लिए फिलअप कर रहे हैं ना, तो एसआई की पोस्ट पता नहीं अर्जुन को मिलेगी भी या नहीं। कमिश्नर के बारे में तो आपको पता ही है, यूज करके वो छोड़ देता है। किसी ने अर्जुन से 1,00,000 ज्यादा रुपए दे दिया होगा, इसीलिए एसआई की पोस्ट उसे मिल गई। हेलो अर्जुन। सर बोलिए सर। हाँ हाँ अर्जुन। सर मुझे जॉब मिल गई क्या? थैंक यू सो मच सर। एसआई पोस्ट, तुमको वो जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए किसी ने 1,00,000 ज्यादा रुपए दे दिए। सॉरी अर्जुन, तुमको वो जॉब नहीं मिलेगी। मुझे कभी कॉल मत करना, मैं कोई नौकर नहीं हूं जो तुम्हारा काम करता रहूंगा। हाँ हेलो हेलो अर्जुन। हेलो हेलो अंजलि। अर्जुन माँ। हाँ क्या हुआ माँ को? क्या बताओ ना, बताओ ना क्या हुआ माँ को? माँ को हार्ट अटैक आया है अर्जुन, किचन में बेहोश होकर गिर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ अर्जुन। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये सब क्या हो गया माँ? आप लोग यहीं वेट कीजिए। क्या वो आएगा? मेरे हिसाब से तो उस पार्टी को अब तक आ जाना चाहिए। हाँ, आ गया। हाय हाय, लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बेबी तुम भी सॉरी थैंक यू ही बोलती रहोगी क्या? जो तुम्हारे मन में है और दामाद जी को कहना है वो क्यों नहीं बोलती बेबी? आई लव यू। थैंक यू। अच्छा तो फिर मिलेंगे बेटा। हाँ बाय आंटी बाय। ये भी शॉर्ट फिल्म है क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे अरे ये तो फीचर फिल्म है बेटा। हॉलीवुड की या बॉलीवुड की? वो नहीं ना। ए, ये नाटक करना बंद करो अब। तुमको प्यार करके मैंने अपनी लाइफ, अपना करियर, अपनी जिंदगी सब छे। तुम लोग इंसान हो कि क्या हो? मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आई हेट यू। बचकर निकल गया। अरे मामा जी हा? कैसे हो आप? मामा जी मैं हूं।
मैं हूँ नागराज। नागराज याद नहीं आ रहा आपको? कौन है रे तू, मामा बुला रहा है? मैं नागराज हूँ। हाँ, मैं तुमको याद हूँ क्या अभी तक? मामा जी कैसी बात कर रहे हो? और बताइए मम्मी पापा कैसे हैं? अब काहे का पापा रे, तूने तो उन्हें मार डाला है। मामा जी क्या बात कर रहे हो आप? रे घास खिलाने से गाय दूध देती है, पानी देते हैं तो पेड़ छाया देता है, लेकिन तूने तो अपनी छाया को ही मार डाला रे। मामा जी चल हट। तुम जैसे स्वार्थी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। तेरे पापा मरे नहीं है रे, तूने उन्हें मार डाला है। सिर्फ 2 लाख रुपयों के लिए तूने अच्छे खासे इंसान को मार डाला। मामा जी आखिर हुआ क्या मामा जी? अरे पिछले महीने सूरी ने सुसाइड कर लिया तो उसके परिवार के लिए तुम्हें पता है सरकार ने 2 लाख का एक्सक्रेसिया दिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, उसके परिवार के लिए वो पैसा काम में आ जाएगा। उसने मर के भी अपने परिवार को बचा लिया। बहन गवर्नमेंट ने एक्सरेसिया में 2 लाख रुपए दिए हैं बहन। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ, मुझे 2 लाख रुपए तो क्या, अपनी जान भी दे देंगे। सच है बेटा? हाँ लेकिन पापा क्यों नहीं आए? वो नहीं आए। ओ इतने बिजी है क्या? ठीक है अब मैं चलती हूँ बेटा। ये क्या माँ, थोड़े दिन रुक जाओ मेरे पास। वो क्या है कि मुझे कुछ काम करने हैं। क्या काम है? वो मुझे दूसरों का काम करना है, अगर वो काम नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अभी के अभी जाना ही होगा। सावित्री मुझसे एक वादा करोगी? क्या है जी? वो अपनी जॉब और इंटरव्यू के बारे में बोल रहा था। उसको हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो वो ठीक से जवाब नहीं लिख पाएगा और उसको जॉब नहीं मिलेगी। हमें चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, तुम उसे कुछ नहीं बताओगी? मैं नहीं बताऊंगी, अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम ठीक से रहना। हाँ ठीक है माँ। मुझे माफ कर दो मामा जी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई, तुम भगवान के लिए गांव में वापस मत आना। तुम गांव में आओगे तो तुमको देखकर सारे लड़के ऐसे ही बिगड़ जाएंगे। तुम यहाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हो ये सोचकर तुम्हारी माँ वहाँ दूसरे के घर में काम कर रही है, वो भी जल्दी ही मर जाएगी। बस मामा जी उसके बाद भी तुम वहाँ पर मत आना, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है ना, अपने बाप के अंतिम दर्शन करने का भी संस्कार नहीं दिया तुम्हें उस पढ़ाई ने, तुम और तुम्हारी पढ़ाई। थू मामा जी। ए, तुम जैसे लोग परिवार में रहेंगे तो परिवार का नाश हो जाएगा, अगर गांव में भी रहोगे ना तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। कैसी जिंदगी है तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी पर तो थू है। मामा जी जाओ यहाँ से, चलो हटो, जाओ जाओ यहाँ से, मेरे पीछे मत आना।
ए, ए, सुनो ना, हाँ? ये उसे दे दो। ये लो। पापा, मैं किसी दिन एक बहुत बड़ी जॉब करूंगा। सच कह रहा हूं माँ, तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा भी भेजूंगा। मेरे पास खेत है बेटा, एक काम करोगे? क्या है पापा? मेरी चिता को आग लगाएगा ना? ना तुम्हें अपनी खुशी के लिए सामने वाले को मार देना सही है क्या? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से नागराजू के पापा मर गए, तुम्हें पता है क्या? क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही हूँ, सबको बेवकूफ बनाने के बाद आखिर में अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। नागराजू के प्यार को अपने आप से दूर मत करो। ए, उसकी बातों को मत सुनो तुम। पैसों की वैल्यू उसे क्या पता होगी? मुझे अब इंसानों की वैल्यू पता चली है। मैं मेरे नागार्जुन के पास जा रही हूँ। माँ को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। माँ कैसी है डॉक्टर? 24 घंटे के अंदर अगर हार्ट का ऑपरेशन नहीं किया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा होगा? तकरीबन 3 लाख। तीन लाख रुपए? लेकिन बस आप लोगों के पास 24 आवर्स का टाइम है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अरे 24 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? कैसे लाऊंगी मैं इतने पैसे? अंजलि, तुम टेंशन मत लो। अंजलि, मैं 3 लाख रुपए लेके आता हूँ। मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम लड़के जो सच्चा प्यार करते उन्हें पसंद नहीं कर पाती हो, जो परेशान करते उनको करती हो। अच्छे लड़कों को पसंद नहीं करती हो, जो बदमाश होते उनको पसंद करती हो। अरे लिपस्टिक और कॉस्मेटिक नहीं, अरे जिससे शादी करनी है पहले उसे सेलेक्ट करो। ए, अपनी बकवास बंद करो। ये बेकार बात नहीं है, सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ तो फिर मर जाओ, जो दिल में है वो करो। जाओ यहाँ से, सामने से हटो। मैडम, मैंने जो आपको 3 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे वापस दे दीजिए मैडम। क्यों, नौकरी नहीं चाहिए? वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ। ओ, पता चल गया क्या? आज नहीं तो कल, आखिर पता तो चलना ही था। अच्छा तो अब आगे क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है क्या? मेरे पैसे वापस कर दीजिए प्लीज, बहुत अर्जेंट है मैडम। कभी भी यहाँ आकर पैसे मांगोगे एटीएम मशीन समझ रखा है क्या? सर अभी शहर में नहीं है, सुबह आकर बात करना। मेरे पैसे सर क्यों देंगे मैडम? ए, कुछ नहीं कह रही हूँ तो कुछ भी बोले जा रहे हो। तुमने मुझे पैसे दिए इसकी क्या गारंटी है? ये ठीक नहीं है मैडम। ए, ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा दूंगी। जिंदगी में कभी पुलिस नहीं बन पाओगे। आउट। सिक्योरिटी। हेलो अर्जुन, पुलिस की नौकरी के बारे में पेपर में आया है, तुम्हें भी नौकरी मिल गई बेटा? हाँ।
गया था माँ, मैं पुलिस बन गया हूँ माँ। मुझे पता था कि तू एक दिन पुलिस वाला जरूर बनेगा। तेरे पापा का सपना पूरा हो गया, उतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है माँ। बकवास की ना तो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा दूंगी। जिंदगी में कभी पुलिस नहीं बन पाओगे। आउट। हेलो पापा, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बेटा बेटा, मैं जिस लड़की से दिल से प्यार करता था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया पापा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मेरी बात सुन। आपका बेटा कल से नहीं दिखेगा पापा, मैं जा रहा हूँ पापा, सॉरी पापा। बेटा मेरी बात सुनो, पैर में चप्पल ला दो क्या पैर काट देते हैं? ए, इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा मैं तेरे लिए। ए, मेरी बात सुन बेटा, ऐसा कुछ भी मत कर, मेरी बात सुन। सुनना प्लीज बेटा। बेटा The customer you're calling is busy at the... Hey, Bhagwan. Seema, तुम्हारे साथ जीना चाहता था, लेकिन तुमने कहा मर जाओ। अब मैं मरने जा रहा हूँ। अब जिंदगी में कभी परेशान नहीं करूंगा, बस तुम खुश रहना। Sorry, the number you are calling is currently switched off.
हेलो। हे बाला, अर्जुन आया क्या? हाँ आया था। अपना पैसा वापस मांग रहा था, बहुत परेशान करके गया है। उसके लिए एक गुड न्यूज है, कल सुबह वो महाकाली स्टेशन में एसआई बनने वाला है। ऑर्डर इस वक्त मेरे हाथ में है, उसका सपना सच होगा। अरे ये क्या कह रहे हैं, उस पोस्ट के लिए 1,00,000 से भी कोई ज्यादा देने वाला था ना, आप ही तो कह रहे थे। वो बात तो सच है, लेकिन इस जॉब के लिए उसने हमारे घर में बहुत मेहनत से काम किया है ना। ये जॉब उसे देना ठीक लगा। ठीक है, इस बात को छोड़ो अब, समझ गई? ठीक है, ये पहली बार है इसीलिए मैं अभी छोड़ देती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। मैंने तो लॉक किया था, ये चाबी। हेलो 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 अर्जुन, कहाँ हो तुम अर्जुन? पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, जल्दी आ जाओ अर्जुन। ऐसे लड़के को जॉब देकर आपने बहुत ही अच्छा काम किया सर। कभी कभी अच्छा काम भी कर लेता हूँ मैं। नारायण सर, जल्दी चलाओ। ठीक है सर। क्या हुआ, क्या हुआ, पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, घर में जो भी था सब चोरी करके भाग गया वो। हुआ क्या? वो अर्जुन घर में से 1,00,000,000 रुपए और मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। चाबी तो कितनी ज्यादा चमक रही है। पैसा, साड़ी, सोना। मैंने सोचा पहले मैं आया, तुम मुझसे पहले आ गए। कौन से एरिया के हो? 50-50। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब रख लेना, मुझे बस 3,00,000 रुपए चाहिए। हाँ? तुम तो बड़े ही ज्यादा अजीब चोर हो यार। यहाँ हो, तुमको जितना चाहिए ले लो, बाकी का मैं ले लूंगा। हाँ अरे पता नहीं इस टाइम कौन फोन कर रहा है, तुम जल्दी यहाँ से निकलो, मैं भी निकलता हूँ। चोर 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 अर्जुन, चोर चोर, सिक्योरिटी पकड़ो। जी मैम। पकड़ो, सिक्योरिटी। क्या हुआ? देखो वो भाग गया। एक चोर को पुलिस बनाने वाले है ना, कौन कैसा है ये भी आपको नहीं पता। यू आर अनफिट फॉर पुलिस, मेरी चूड़िया आप ही पहन लो। बंद करो। सर 5 मिनट में वो मेरे सामने होना चाहिए, 5 मिनट में। ठीक है सर। कहाँ कहाँ है वो? ऑटो हॉस्पिटल चलना है। भैया आपको ही बोल रहा हूँ, भैया भैया सुनिए। क्या बात है, एकदम सही टाइम पे मिला। पैसे
भैया भैया छोड़ दीजिए प्लीज भैया प्लीज भैया छोड़ दीजिए प्लीज हॉस्पिटल में कोई है भैया भैया प्लीज भैया भैया ये पैसे हॉस्पिटल देने मुझे इसकी तो है रोक मेरी तो बॉस को मारता है और मारो इसे और मारो पाशा मार इसको चल बे चल इधर देख डाल दूंगा इसे नहीं 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 मत डालना उसको आग में मत डालना स्विच ऑफ आ रहा है कोई और नंबर है तो ट्राई करना आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो सच बोल रही हूँ इतने दिनों तक तुमसे झूठ कहा तुम्हें धोखा दिया अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पापा के प्यार को और तुमको सबको दूर कर दिया लेकिन अब तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ कर आई हूँ आई लव यू नाग
अंजलि ये लो पैसे जमा कर दो। हाँ, आज मेरी माँ की जान बचाई है तुमने अर्जुन, तुम्हारे लिए जितना करूँ कम है। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, तुम संभल के रहना। अर्जुन सर वापस ये करा सर। वाला सर ए, रुक, ए, रुक 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 सर, अरे रुक सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं जीना नहीं चाहता। सर वो अर्जुन कहीं नहीं मिला मुझे सर। वो नहीं मिलेगा, उसे नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग। ए, छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी होने दो छोड़ूंगा नहीं, एनकाउंटर करूंगा मैं उसका। बताया क्या सर? बताया क्या? इतना मारने के बाद भी कुछ नहीं बोला सर। तो तुझको सर, नहीं छोड़ूंगा। पैसा मिल गया सर। उतारो, छोड़ दो इसको। संभाल कर। कौन सा एरिया है? सारा एरिया अपना ही है सर। सारे एरिया का केस इसके ऊपर डालकर इसे अंदर कर दो। सर ये अपना अर्जुन है जो पुलिस बन गया। इस बार रिश्वत देकर के नहीं बल्कि मेहनत करके जॉब ली है इसने। अपने माँ और पिता के सपने को ही नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को भी हासिल किया है इसने। और ये है अपना नागराजू, एग्रीकल्चर में टॉप पोजीशन पर है, पूरे साल खेती करता है। पापा का सारा कर्ज भी उतार दिया इसने, नया घर भी बनवाया है माँ, और माँ का बहुत ख्याल रखता है। बेटा वो आ गई। आओ बेटी। पापा जी कॉफी। शुगर तो कम है ना बेटी? हाँ ठीक है। सर कॉफी। मुझे जो चाहिए वो कॉफी नहीं। क्या कर रहे हो तुम? कौन है यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है। मेरे पापा को क्या दिखाकर तुमने शादी के लिए मना लिया? ये नए डिजाइन्स के सैंडल्स दिखा कर। मेरी समोसा। प्यार का मतलब मरना या मारना नहीं होता बल्कि मरने तक साथ निभाना होता है। अपने पेरेंट्स के सपनों के साथ साथ अपने भी सपनों को हासिल करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ तुम भी हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारी जिंदगी भी फूल की तरह खिलकर लोगों को महकाने लगेगी।